बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळी म्हणजे जम्मू काश्मीरचं तापमान मायनस डिग्री गेलंय आणि त्यामुळे तुंगमर्गच्या द्रांगमध्ये धबधबे सुद्धा गोठायला सुरुवात झाली आहे. या धबधब्याचं रूपांतर पांढऱ्या शुभ्र बर्फामध्ये झालंय आणि हा अद्भुत फ्रोझन वॉटरफॉल पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी होती आहे. तर अनेक जण आपल्या मोबाईलमध्ये हे मनमोहक फ्रोझन वॉटरफॉलचं दृश्य चित्रित करत आहेत. या ठिकाणाहून आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी खालिद हुसेन यांनी. हम उस झरने पे खड़े हैं जो लुढ़कते तापमान के कारण बिल्कुल जम गया है. मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक वाटरफॉल है जो टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पर द्रंग का. आप देखिए, इससे आपको एहसास होगा कि ठंड का प्रकोप कश्मीर घाटी में कैसा है. यहाँ पर तापमान की अगर हम बात करें तो इस वक्त भी माइनस में तापमान है और रात का तापमान यहाँ माइनस 12 तक चला जाता है और जिसके कारण ये वाटरफ्लो जो है ये जम जाता है. यहाँ पर पर्यटक है, उनसे हम बात करते आपसे बात करता हूँ मैं. आपका नाम क्या है? हाय, मेरा नाम श्वेता है. श्वेता, कहाँ से हैं आप? हम मुंबई से आ रहे हैं. आप मुझे बताइए, आपने फ्रोजन वाटरफॉल कहीं देखा था? नहीं, मैंने देश भर में ट्रैवल किया है, यूरोप भी गई हूँ, पर फ्रोजन वाटरफॉल कभी भी नहीं देखा है और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है. ये वाटरफॉल भी अभी फ्रोजन होना शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. एंड मैं तो यहाँ पे लाइक आई एम ऑल्सो रनिंग अ कंपनी ओवर हियर, आई ब्रिंग टूरिस्ट एंड ऑल ओवर हियर ना. सो एवरी वन इज लविंग इट, दे आर एंजॉइंग इट, दो द स्नो इज नॉट देयर बट दे आर एंजॉइंग इट. ये जो फ्रोजन वाटरफॉल है ये अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है जो इस वक्त कश्मीर आने वाले पर्यटकों का पहला आकर्षण बन चुका है. कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, द्रंग.